बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पत्तों की से आपका भाई बरार हुसैन। आज की जो हमारी वीडियो है यह है जुपानी फल के बारे में। जुपानी फल पे मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया है, दिखाया भी है, पौधा लगा हुआ उसके ऊपर फूल लगा हुआ कि पंजाब में ये कितना फल देता है और जो फल का साइज़ है वो क्या होता है। ठीक है जी, आज इस वीडियो में जो मैं आपको जुपानी फल का पेड़ दिखाने जा रहा हूँ ये लगा हुआ है चिल्लास के अंदर। चिल्लास के अंदर आपको दिखाऊंगा इसका जो कलर होता है वो किस तरह होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो पंजाब का जुपानी फल होता है ये उतना इसके ऊपर फिनिशिंग नहीं होती, इसका जो कलर होता है वो इतना खूबसूरत नहीं होता जितना कि शुमाली इलाका जात का होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरह जो पंजाब का आड़ू है इसका साइज़ छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, लेकिन मार्केट कैप्चर कर लेता है। ठीक है, मार्केट में बिक जाता है। सेम कंडीशन जुपानी फल के साथ है। जुपानी फल जो पंजाब का जुपानी फल है वो पहले आता है, जब पंजाब का जुपानी फल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो चिल्लास का, दीर का, बुनेर का, हुंजा का जुपानी फल है वो मार्केट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेड़ जुपानी फल का लगा हुआ है, मैं उसका आपको कलर चेकअप कलर उसका दिखाता हूँ कि उस जो जुपानी फल है उसका जो कलर है वो किस तरह का होगा। ये देखें, ये एक पौधा लगा हुआ है यहाँ पे जुपानी फल का, इसका कलर देखें आप। ठीक है जी, ये अभी बिल्कुल कच्चा है, अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन जो इसका कलर है ये रेड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी, इसके ऊपर जो नारंगी रंग की, ठीक है जी, वो इसका कलर इसका होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो मेन रीज़न है वो है मौसम, वो है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये देखें इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है, अभी जो फ्रूट है इसका नीचे से जितने भी यहाँ पे विजिटर्स आते हैं उन्होंने तोड़ लिया हुआ है, तो ये कुछ इसका जो फ्रूट बचा हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मौसम जुपानी फल का जो एंड होने वाला है। ये देखें जी, इसका जो कलर है ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है, चूँकि पंजाब में इस तरह का कलर नहीं हो पाता। उसकी जो वजह यही होती है कि यहाँ पे मौसम की शिद्दत है, मौसम यहाँ पे सर्द है, सर्द मौसम की वजह से इसका जो कलर है ये रेड रेड होना स्टार्ट हो जाता है। कलर इसका ज़रूर रेड है लेकिन जो फ्रूट है वो अभी बिल्कुल ही कच्चा है, फ्रूट अभी तक तैयार नहीं हुआ। इसको तैयार करने के लिए वही तरीक़ेकार होगा कि इसको हल्का फुल्का सा मसाला दिया जाएगा, जो आम वगैरह को आम मसाला लगाते हैं, ठीक है जी, वो इसको लगाया जाएगा। उसके बाद ये जो फ्रूट होगा ये तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये सारा इसके ऊपर फ्रूट आया हुआ है। ये जी जुपानी फल का पेड़ है। ठीक है जी, अब इसके बारे में आपको बताऊं, ये पंजाब में और शुमाली इलाका जात दोनों में कामयाब है। आप अगर इसका बाग लगाना चाहते हैं तो इसका आप बाग लगाएं, खुशी खुशी लगाएं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इसके बाग लगाने के लिए इसका जो आपको फासला है वो रखना पड़ेगा, 15x20 पे इसका जो फासला रखना पड़ेगा। कोई इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, कोई बीमारी का बहुत ज़्यादा अटैक नहीं होता, कोई जानवर इसको बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करता। इसके बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास अल्लाह पाक ने दिया हुआ रकबा है तो आप इसका बाग लगाएँ। और इसके जो ग्राफ्टेड पौधे, अच्छी नस्ल के पौधे लेने के लिए नीचे मैं नंबर भी व्हाट्सएप में दे रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपको पौधे दे देंगे। पौधे जो लगाने का टाइम है ये है, पौधे लगाने का जो इसका मेरे भाई टाइम है ये है जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है जी, आप 3 माह में इसके पौधे ख़रीद के लगा सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर कोई आप इसको लगाना चाहे तो मिलता तो पूरे साल है, लेकिन बागबानी के लिए सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च के एंड तक आप इसकी जो मुकम्मल काश्त है उसको मुकम्मल कर लें। ठीक है जी, तो इसके जो फ्रूटिंग है दूसरे ही साल स्टार्ट हो जाती है और फ्रूट इतना लगता है इसके ऊपर कि आपकी सोच है, पत्ते कम होते हैं और फल ज़्यादा होता है, ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है। बेबहा फल लगता है पंजाब में और शुमाली इलाका जात दोनों में कामयाब है। ठीक है जी, अगर किसी किस्म का आपके जहन में सवाल आ रहा है, ठीक है, आप अपने भाई को नीचे कमेंट करें। जो मेन मकसद था हमारा इस वीडियो का वो यही था कि आपको कलर दिखाया जाए कि कलर किस तरह जो पंजाब का जुपानी फल है उससे इसका जो कलर है वो किस तरह रेड हो जाता है। ये देखें, ये देखें जी, ये सारी इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई है, जो कलर है इसका ऑटोमेटिकली रेड होना स्टार्ट हो चुका है, जबकि जो पंजाब का जुपानी फल है उसको कलर इस तरह का रेड नहीं होता। कलर थोड़ा सा फेक फेक उसका होता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता, मार्केट में अच्छे रेट पे बिक जाता है। उसकी वजह ये होती है कि तब मार्केट में ना तो आम होता है, ना सेब होता है, ना आड़ू होता है, कुछ चीज़ नहीं होती, जुपानी फल आता है, जुपानी फल मार्केट को कैप्चर कर लेता है और ये बिक जाता है। तो इसके साथ अपने भाई बरार हुसैन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक आपका हामी नसर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।